मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण अभियान को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी से किया वर्चुअल संवाद। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधारोपण कराने को लेकर प्रदेश के निगम निकायों एवं पंचायत के अध्यक्ष अधिकारियों सभासद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर पालिका मिर्जापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी भी जुड़े, जहां सूबे के मुखिया ने नपा अध्यक्ष से मिर्जापुर को दिए गए 30,000 से ऊपर के लक्ष्य के पौधारोपण को लेकर वार्ता की। नगर पालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बताया कि वे मिर्जापुर के सामाजिक व्यापारिक संगठनों एवं नगर की सम्मानित जनता सहयोग से पौधारोपण अभियान को सफल बनाएंगे। विंध्य कॉरिडोर से लगने वाले वार्डो विंध्याचल कंटित शिवपुर के वार्डो में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही गंगा के किनारे घाटों पार्कों में भी पौधारोपण किया जाएगा। पिछले साल भी नगर पालिका द्वारा सफलतापूर्वक अभियान को सफल बनाते हुए पौधारोपण किया गया था। नगर में प्रतिदिन पौधारोपण करने वाले ग्रीन गुरु को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस मौके पर नपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस वृहद अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी को पूरा प्रयास करना होगा। इसके साथ ही अपने किसी प्रिय के नाम भी पेड़ लगाएं और उसकी सुरक्षा भी करें। इस बार भी उन्होंने कई करोड़ पेड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सागौन, नीम, बरगद, पीपल, आम, कनेर, सहजन, पाकड़ आदि पेड़ लगाने की अपील की है। नगर पालिका द्वारा टांडा जलाशय, लंका की पहाड़ी, रामपुर, मड़वा, नगर के विभिन्न पार्क एवं सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया जाएगा। इस मौके पर सभासद अलंकार जायसवाल, अजय मोदनवाल, शशिधर साहू, शिवम कुमार, विकास यादव और धीरज सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपके आशीर्वाद से मानवासनी का कॉरिडोर तब लगभग बनकर तैयार है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह भी है। और हम लोगों ने पिछले वर्ष भी पेड़ लगाया था, इस बार भी हम लोग 31,316 पेड़ों का वृक्षों का लक्ष्य लिए हैं। और हमारे इसमें एक ग्रीन गुरु जी हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से पर डे पेड़ लगाते हैं, उनको इस बार हमने नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और हमारे यहाँ कई पार्कों में और गंगा जी के किनारे विशेष रूप से माँ विंध्यवासिनी के धाम के आसपास के जो हमारे विशेष वार्ड हैं शिवपुर, कंकित, इन सब वार्डों में भी हम विशेष रूप से वृक्षारोपण का अभियान चलाने का हम लोगों ने योजना बनाया है। हम लोगों ने गड्ढे भी कई जगह अपने टंडापाला, रामपुर, मड़वा आदि स्थानों पर करवा रखे हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ा, जब माननीय मुख्यमंत्री जब आप आए थे हमारे यहाँ, उस दिन 48.5 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश था और इस सबको देखते हुए हम लोग पूरी तरह से हमारे सभी पार्षद का मुस्तैद और सभी वार्डों में हम लोगों ने लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में हम लोग हमारे जो बहुत से ऐसे पार्क स्थान खाली हैं वहाँ भी हम लोग उसको भरने लगे। पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही दिन में कर लें, हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। हम लोगों ने 500 ट्री गार्ड मंगवा लिए हैं और अभी आप हमारे यहाँ गणेशगंज वार्ड में 10 पार्ट हमारे सभासद ने लगा रखा है पेड़ों को और कई जगह योजनाएं बन रही है। हमारे एनजीओ, हमारा रोटरी क्लब से भी हमारी बात हुई है, कई एनजीओ से भी बात हुई है, सबको साथ में लेकर हम लोग अपने मिर्जापुर को हरा भरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम माननीय बलिदान दिवस था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम से हमने शुरुआत भी किया था। 5 जुलाई को वृक्षारोपण रूप में महावीर पार्क में भी हम लोगों ने पेड़ लगा के इसका शुरुआत शहर में संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निवेदन है,